सोलन का अस्पताल हमेशा विवादों में ही रहता है। अब अस्पताल में एक और विवाद एम्बुलेंस के कारण खड़ा हो गया है। ऐसे तो अस्पताल में कई एम्बुलेंस हैं, लेकिन इस एम्बुलेंस को विशेष तौर पर बीआईपी मरीजों के लिए खरीदा गया है। सूत्रों की माने तो बीआईपी एम्बुलेंस खरीदने के लिए नियमों की ठीक से पालना नहीं की गई है। वाहन की खरीद फरोख्त ई ट्रेडिंग के माध्यम से होनी थी, वह भी सीधे तौर पर खरीद ली गई। अब ये ऐसा क्यों हुआ, यह एक जांच का विषय है। वैसे बताया जा रहा है कि आरकेएस की मीटिंग में इनोवा एम्बुलेंस खरीदने का प्रस्ताव रखा गया था और इसी प्रस्ताव के आधार पर यह लग्जरी एम्बुलेंस खरीद ली गई है। जब इस बारे में एमएस से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कैमरे पर कहने से मना कर दिया और बीआईपी कल्चर को बढ़ाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये प्रश्न आप सरकार से ही पूछें तो बेहतर है, इस बारे में वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने यह तक कह डाला कि बीआईपी कल्चर का अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं तो सेक्रेटरी हेल्थ या प्रदेश सरकार से करें, और यहाँ तक कह दिया कि बीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो सकता। बेस मॉडल एम्बुलेंस बुलाई गई है जो सिर्फ शायद वीआईपी के लिए चलेगी, है ना। तो सर एक तरफ सरकार जैसे कि बोल रही है कि हमारा वीआईपी कल्चर हम खत्म कर देंगे ये सब कुछ, और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक वीआईपी होगा कि अलग से एम्बुलेंस भाईजान अगर ये बात आप सेक्रेटरी हेल्थ और हेल्थ मिनिस्टर से करना बड़ा हो जाएगा। जब सीएम आते हैं और जब गवर्नर आता है और जब चीफ जस्टिस आते हैं हमारे डॉक्टर को सबसे पहले दौड़ना पड़ता है, नहीं दौड़े तो उनके बाद सस्पेंड कर देना सबको। ये क्वेश्चन आप हमारे से क्यों पूछ रहे हो? बीआईपी कल्चर हमने छोड़े खत्म करना, हमने तो अपनी ड्यूटी करनी है, अगर हम नहीं करेंगे तो उन्होंने हमारे सस्पेंड कर देंगे। फिर जैसे गाड़ियों में हमारे डॉक्टर दौड़ रहे हैं तो उनकी जानों को खतरा है, जो आपके यहाँ पकड़ लेती है आपके यहाँ कर लेती है। बिजनेस सामने 20-20 लाख चल के 20 साल पुरानी गाड़ियों और 10-10 लाख चल के उन पर चले जाए और ये इंग्लिश के साथ फुल स्पीड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को खत्म करना। इस बीआईपी कल्चर को लेकर स्थानीय लोगों ने एतराज जताया और कहा कि आरकेएस के पैसों का स्वास्थ्य विभाग दुरुपयोग कर रहा है। यही नहीं, बीआईपी एम्बुलेंस के नाम पर लाखों की महंगी गाड़ियां खरीद ली गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां प्रदेश सरकार बीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कर रही है, वहीं अधिकारी बीआईपी के नाम पर फजूल खर्ची कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही पैसा जरूरी मशीनें खरीदने पर लगाया होता तो आज रोगियों के हित में होता। उन्होंने कहा कि सोलन अस्पताल में डॉक्टरों की कमी चल रही है, एक्सरे और दूसरी टेस्ट की मशीनें खराब पड़ी हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन बीआईपी एम्बुलेंस खरीद रहा है जो सोलन की जनता के हित में नहीं है। आपको बता दें कि हिमाचल में सोलन एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर बीआईपी इनोवा एम्बुलेंस खरीदी गई है। मजे की बात यह है कि सोलन अस्पताल में चिकित्सक तो नहीं है लेकिन बीआईपी एम्बुलेंस जरूर है, जिस पर करीबन 16 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। यह बीआईपी सुविधा अभी शिमला में उपलब्ध नहीं। सोलन में आम जनता के लिए एम्बुलेंस है, किसी के टायर घसे हुए हैं, किसी को धक्का मार के चलना पड़ता है, उनकी वो हालत है कि जिसका कुछ भी निकाल सकते। तो भाजपा सरकार की कथनी और करनी में एक साल में सब कुछ नजर आ रहा है कि वो देख अपने फायदे के लिए वीआईपी लोगों के लिए नेताओं के लिए एक 18 लाख रुपए की वेस्टेज है। अगर वो जो दूसरी एम्बुलेंस हैं उनको ठीक कराया जाए, उन्हें सुधारा जाए, वो जनता के काम भी आएंगी और सरकार के जो वीआईपी हैं उनके काम भी आएगी। इस प्रकार से पैसे को बर्बाद करना, जिस सरकार के पास खर्चा चलाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है और ये लोगों द्वारा इकट्ठा रोगी कल्याण समिति का पैसा बिल्कुल बेकार किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि जो जनता को सेवा मिलनी चाहिए वो वीआईपी लोगों को दी जा रही है। जो फायदा सरकार ने लोगों को देना था, हॉस्पिटल की इतनी दुर्दशा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, मरीजों की हालत ख़राब है, मगर अपने फायदे के लिए अपने वीआईपी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार कहती थी कि हम वीआईपी कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर को और बढ़ावा देने के लिए अपने फ़ायदे के लिए एक एम्बुलेंस 18 लाख रुपये में रोगी कल्याण समिति के पैसों से यहाँ पर खरीदी गई है। ये 18 लाख की इनोवा जो है एम्बुलेंस के तौर पर वीआईपीओं के लिए ख़रीदी गई है। मैं मानता हूँ कि अगर प्रदेश सरकार जो है जो एम्बुलेंस 108 सेवा जो चलाई जा रही है उसके ऊपर ये पैसा खर्च करे, उन एम्बुलेंस को ठीक करे, उनके टायर्स ठीक नहीं है, कई में ऑक्सीजन की कमी है, तो उन चीज़ों को अगर ठीक करे तो वो सर्विस वीआईपी लोगों को भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है, उधर से भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। इसके लिए इतना पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं इस चीज़ को
टोटली व्यर्थ मानता हूँ। एक तरह से पैसे की जो है बर्बादी की गई है।